तो बच्चों अपन एक्सप्रेशन फ्रॉम डेथ ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम कट रहे थे, थोड़ा सा वीडियो भी इसमें क्लोज करना पड़ा, दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, जैसे दिक्कत आ गई, आती रहती है दिक्कत। तो अपन एक्सप्रेशन फॉर डेथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप पढ़ रहे थे। मैंने अजम्पशन आपको बता दिए थे लास्ट वीडियो में कंप्लीट, है ना, कौन कौन से अजम्पशन है, और एक डिस्चार्ज पर यूनिट वेट भी मैंने आपको बता दी थी कि ऐसे डिस्चार्ज पर यूनिट वेट थे वो V1 D1 है। और बच्चों वेट थे वो मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट वेट क्लियर हूँ उसकी, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको देखने में लग रहा होगा एक हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रक्चर है, है ना, इसमें एक तरफ से P1 फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स, और एक तरफ से P2 प्रेशर फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, इसके ऊपर नेट प्रेशर फोर्स कितना लगेगा अगर उसकी बात करूं, तो देखते हैं बच्चों इसके ऊपर नेट प्रेशर फोर्स। अजम्पशन आपने देख लिए होंगे, सारे नोट डाउन कर लेना दोस्तों इसको, और आपको पता चल गया कि डिस्चार्ज पर वेट कितनी है V1 × D1। दोनों के लिए क्योंकि ये दोनों अगर यूनिफॉर्म फ्लो में कंसीडर कर रहा हूं, तो V1 D1 = V2 D2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको देखना है प्रेशर फोर्स P1। तो बच्चों आप बता सकते हो कि प्रेशर फोर्स P1 यहाँ पे कितना लगेगा। जब भी हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की बात की जाती है, आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपने स्टार्ट में पढ़ा, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितना होगा, ρg A1 और Z1। बच्चों ये Z1 बार क्या है, है ना, ये मैं सारी आपको डिफाइन करके एक बार बता दूं। इधर देखो D1 क्या है, डेप्थ एट सेक्शन 1 1, D2 डेप्थ, है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 2, V1 अगर वेलोसिटी की बात करूं, V1 तो V1 क्या है, वेलोसिटी एट सेक्शन 1, V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 2। इसके बाद Z1 बार क्या है, Z1 बार क्या है बच्चों, सेंट्रोइड है किसका, एरिया सेंट्रोइड ले सकते हो कहां पे, सेक्शन 1 1 पे। Z2 बार क्या है, एरिया सेंट्रोइड है कौन से सेक्शन पे, 2 2। Z1 बार का मतलब क्या बच्चों, ये जो आपके 1 पे भी है इसका सेंट्रोइड कितना है, ठीक है। और आप इस सेक्शन का अगर सेंट्रोइड लोग करिए, पूरी डिस्टेंस D1 है, इसका सेंट्रोइड Z1 बार कितना होगा, D1 / 2। और अगर इसका आप सेंट्रोइड लोगे तो इसका सेंट्रोइड कितना होगा, Z2 बार कितना होगा, D2 / 2। सेंट्रोइड क्या होता है, अगर आपको कोई यूनिफॉर्म एक सेक्शन लिया इसका मतलब इसका हाफ होगा, तो इसका क्या होगा, एरिया सेंट्रोइड होगा। तो अब आपको देखना है कि प्रेशर फोर्स P1 पे कितना लग रहा है, प्रेशर फोर्स P1 कितना है, ρg A1 Z1 बार, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप ρg A1, और ये क्या है Z1 को क्या लिख सकते हो, D1 / 2। ρg एरिया आपको पता है कितना होगा, D1 into width कितनी है 1, D1 / 2, इसका मतलब ρg D1 square by। तो ये आपके क्या है, प्रेशर फोर्स P1, ठीक है। एट सेक्शन 1 1 पे प्रेशर फोर्स कितना है, इतना है P1 = ρg D1 square by, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं अपन इसको भी रब कर देता हूं। अब देखते हैं बच्चों प्रेशर फोर्स P2 की बात करें, प्रेशर फोर्स की सेम वैसे ही होगा ρg A2 Z2 बार, ठीक है। तो ρg यहाँ पे एरिया कितना होगा, D2 × 1, क्योंकि वेट तो 1 है, डेप्थ वहां पे कितनी है, D2, और Z2 कितना होगा, D2 / 2, सेम वही है ना। तो इस तरह यहाँ पे कितना आएगा, ρg D2 square by। ये क्या है, प्रेशर फोर्स P2 है एट सेक्शन 2 2। तो आपने प्रेशर फोर्स P1 निकाल लिया, प्रेशर फोर्स P2 निकाल लिया, आप बता सकते हो कि नेट प्रेशर फोर्स कितना होगा, नेट प्रेशर फोर्स बता सकते हो P2 - P1, नेट तो इतना ही होगा क्योंकि ये P1 इधर से लग रहा है, P2 उधर से लग रहा है, तो नेट P2 - P1 कितना होगा, आप P2 - P1 करोगे तो ρg D2 square - 1, ρg D1 square by 2। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ρg / 2 कॉमन ले लो, D2 square - D1, ठीक है। ये आपका क्या है, नेट फोर्स, ये आपके पास है नेट फोर्स। लेकिन बच्चों आपको जो वैल्यू निकालनी है D2 - D1 की, आप वैल्यू आप निकाल रहे फोर्स, चले आपने ये फोर्स क्यों निकाला,
आप खुद सोच के बताओ कि ये फोर्स निकाला है, ये इस फोर्स की वजह से तो उस लिक्विड के अंदर क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। दोबारा सुनना, जो ये फोर्स का डिफरेंस है, ये जो नेट फोर्स आया है, एक फोर्स किधर से लग रहा था, एक फोर्स किधर से लग रहा था, इस फोर्स की वजह से भी उस लिक्विड के अंदर क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। और अगर ये जो फोर्स है उस मोमेंटम के बराबर ही तो होगा, जितना उस लिक्विड को मोमेंटम मिला वो इस फोर्स के बराबर ही तो होगा, चेंज इन मोमेंटम जितना हुआ वो इस फोर्स के बराबर हुआ, इससे मैं डी टू माइनस डी वन की वैल्यू निकाल लूंगा, है ना। तो आपको पता चला कि फोर्स मैंने क्यों फाइंड आउट किया, आपने फोर्स फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं मोमेंटम चेंज कितना, क्योंकि फोर्स होता क्या है, dp/dt, p क्या है, मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ये हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स बोलते हैं। तो अब आप एक बार सोच के बताइए कि यहाँ पे मोमेंटम कितना चेंज हुआ, है ना। तो आप देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मास चेंज कितना होगा पर सेकेंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हो या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी ले लो, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी, क्या इतना ही मोमेंटम चेंज हुआ, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास चेंज कितना होगा, वेलोसिटी चेंज कितनी है पर सेकेंड, है ना। अब मास की बात करूंगा बच्चों, मास कितना चेंज होता है, मास होता क्या है, रो ए भी, क्या यही होता है, रो ए भी, लेकिन आपको पता होगा कि पर विड्थ की बात करूंगा यहाँ पे, तो रो क्यू लिख सकते हो, रो क्यू लिख सकते हो, है ना। और क्यू यहाँ पे क्या है, इस बात को ढंग से समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रो क्यू लिख रहा हूँ, लेकिन क्यू क्या है, ये क्यू है क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी, अगर इस क्यू को मैं विड्थ से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, d इंटू वी, है ना, d इंटू वी, क्योंकि विड्थ से डिवाइड करूंगा तो विड्थ इंटू डेप्थ तो एरिया होता है, तो विड्थ से डिवाइड करूंगा तो q बाई डब्ल्यू, ये क्या होता है बच्चों, q, ये d इंटू वी, है ना। तो क्या बच्चों, ये d q की जगह मैं d इंटू वी लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे d इंटू वी कर दूं, क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ये क्या है, डिस्चार्ज पर विड्थ इंटू विड्थ, तो ये डिस्चार्ज ही होगा, तो ये डिस्चार्ज पर विड्थ को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, क्यू पुट कर सकता हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, एक बार सोच के दोबारा बताओ, मैंने क्या किया, मास पर सेकंड क्या होता है, रो इंटू क्यू, रो ए भी होता है, रो इंटू क्यू, क्यू को मैंने लिख दिया डिस्चार्ज पर विड्थ इंटू विड्थ, विड्थ से विड्थ कैंसिल देंगे तो डिस्चार्ज ही बचेगा क्यू, तो विड्थ ये क्या है, डिस्चार्ज पर विड्थ, क्यू क्या है, आपको पता है डी इंटू क्यू, क्या इतना मैंने सही लिखा है, अगर इतना सही लिखा है तो बच्चों आगे देखिए, अब वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी v1 माइनस v2, तो बच्चों ये यहाँ से जो फोर्स आएगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, रो इंटू क्यू, विड्थ कितनी है बच्चों, वन है विड्थ, तो विड्थ मैंने यूनिट लिए v1 माइनस v2, तो ये भी क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये भी क्या है, फोर्स है, और वो भी आपने अभी जो निकाला था यही फोर्स है, इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल, क्योंकि ये जो फोर्स चेंज हुआ उसी की वजह से तो उस लिक्विड को मोमेंटम मिलेगा, तो क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, होने चाहिए, इसका मतलब रो जी बाई टू डी टू स्केल माइनस डी वन स्केल इक्वल्स टू होना चाहिए रो इंटू क्यू, जी और क्यू में आप कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन जिस यहाँ तक जिसके समझ में आ गया ये मान लो उसके कंफर्म ये सारी इक्वेशन समझ में आ गई, है ना। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। तो जो यहाँ पे इक्वेशन आई क्लास में मैंने इधर लिख लिया स्टार्ट में, अब देखो बच्चों रो से रो कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो यहाँ से बचा आपके पास थी डी टू स्केयर माइनस डी वन स्केयर बाई, यहाँ है क्यू। अब बताओ ये वी वन और वी टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्यू क्या है आपके पास, वी वन डी वन इक्वल्स टू वी टू डी टू, क्या वी वन की जगह क्यू बाई डी वन पुट कर सकता हूँ, क्या क्यू बाई डी वन, और वी टू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, क्यू बाई
डी टू पूछोगे सर ये कहाँ से पुट किया, यह जो मैंने डिस्चार्ज पर यूनिट वेट बताया था क्यू वो बी वन डी वन ही तो आया था, आप पिछले वीडियो में देखिए एक बार है ना, तो यहाँ से क्यू बाई डी वन माइनस क्यू बाई डी डी टू स्केयर माइनस डी वन स्केयर बाई टू, ये क्यू यहाँ से कॉमन ले लो तो इधर आ जाएगा टू स्केयर, इधर वन अपॉन डी वन माइनस वन अपॉन डी टू, ठीक है ये जी क्या, इसको मैं डी टू माइनस डी वन डी टू प्लस डी वन लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, इसको सोल्व करके देखो ये आएगा डी टू माइनस डी वन एलसीएम ले लो डी वन डी टू डी वन डी, तो बच्चों ये क्यों लिखा मैंने ऐसा क्योंकि डी टू माइनस डी वन का पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आएगा जी डी टू प्लस डी वन बाई टू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन डी टू, ये आपको समझ में आया आपके पास इतनी चीजें आ चुकी है, ठीक है आगे और सोल्व करने की कोशिश करो, यहां पे इसको मैं दोबारा लिखता हूं जी डी टू प्लस डी वन बाई टू इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर डी वन डी टू, ठीक है अगर डी टू से बच्चों मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में, इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दूं बात कर दी, ठीक है तो उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया d2 से पूरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दिया, क्या क्या है d2 से मल्टीप्लाई किया तो g d2 स्क्वायर हो गया प्लस g d1 d2 इक्वल्स टू 2 q स्क्वायर बाय 2, अब g से डिवाइड कर दूं डिवाइड बाय g तो बचेगा डी टू स्क्वेयर प्लस डी वन डी टू माइनस टू क्यू स्क्वेयर अपॉन जी डी वन इक्वल्स टू जीरो, क्या समझ में आया क्या क्या, मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ से, पहले डी टू से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में, तो डी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डी टू स्क्वेयर प्लस जी डी वन डी टू इक्वल्स टू डी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे जी से डिवाइड करके पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे केवल कुल मिला के मैं करना क्या चाह रहा हूँ इक्वेशन को, या तो d2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना चाह रहा हूँ या d1 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे d1 या d2 की वैल्यू निकल गई तभी तो मैं d2 माइनस d1 निकाल पाऊंगा, तो मैंने कुल मिला के किया क्या है d2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, तो और चीजें d2 के साथ में जो भी कोफिशियंट थे उन कोफिशियंट को मैं हटा रहा हूँ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, ठीक है तो अब बच्चों आप d2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, या सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब किसी भी इस केस में अगर रूट आपको पता होगा अल्फा और बीटा रूट हो वो रूट होते क्या हैं माइनस डी प्लस माइनस डी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है ए रूट होते ऐसे, तो बस इसके आप रूट निकालो, अगर डी टू की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो माइनस डी कितना होगा माइनस डी वन प्लस माइनस डी स्क्वेयर कितना होगा डी ए स्क्वेयर प्लस फोर ए कितना हुआ वन सी कितना हुआ टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी डी वन, लेकिन माइनस है ए साइन थी क्या उसका हो जाएगा माइनस है वन रूम में यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालने की कोशिश करो इतना आप नोट डाउन कर लो पहले, इसके बाद अपन वैल्यू निकालते हैं डी वन की, तो ये आपके पास d2 की वैल्यू क्या आ गई है ना, ये अब इस d2 के दो वैल्यू हो सकती है, अगर एक तो प्लस साइन लो और एक क्या लो माइनस साइन लो है ना, तो d2 को बच्चों क्या माइनस अगर इसको थोड़ा सा वो सॉल्व करते हैं अलग कर दिया प्लस माइनस, अब ये देखो ये टू बाहर है अगर इसे रूट के नीचे अंदर लेके जाओ तो क्या ऐसा होगा, ये टू है तो अंदर जाके क्या हो जाएगा फोर माइनस फोर इंटू टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी डी वन और फोर आएगा और फोर से फोर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो डी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डी वन बाई टू प्लस माइनस डी वन स्क्वेयर बाई फोर माइनस टू क्यू स्क्वेयर जी डी वन का अंडर, तो बच्चों आपके पास ये डी टू की वैल्यू आएगी, लेकिन इसके दो रूप होंगे एक होगा माइनस डी वन बाई प्लस और एक होगा माइनस माइनस, एक में तो दोनों माइनस आएंगे एक में एक माइनस एक प्लस, तो बच्चों क्या दोनों माइनस माइनस वाला पॉसिबल है क्या, ये डेफ ऑफ फ्लो माइनस में हो सकती है बिल्कुल भी नहीं, तो ये माइनस माइनस वाला पॉसिबल नहीं होगा, आपके पास जो रूट आएगा डी टू आएगा माइनस डी वन बाई टू प्लस डी वन स्क्वेयर बाई फोर माइनस
टू क्यू स्क्वेयर जी डी वन का, तो ये आपके पास डी टू की वैल्यू आ जाएगी। इसको और अच्छा सा थोड़ा सा बना लें फॉर्मूला, माइनस इसको भी डी के टर्म में, माइनस डी के टर्म टू क्यू की इसमें क्या लिख सकता हूं, वी वन डी वन, वी वन स्क्वेयर डी वन स्क्वेयर अपॉन जी डी वन, एक डी वन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो डी टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी वन बाई टू प्लस माइनस डी वन स्क्वेयर बाई फोर माइनस टू वी वन स्क्वेयर डी वन बाई जी। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी टू की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी डी टू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक थोड़ी सी अपने गड़बड़ कर दी क्योंकि डी टू माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी होता है ना, तो माइनस और ये टू क्यू स्क्वेयर बाई जी डी वन भी माइनस का था, तो माइनस माइनस बच्चों ये क्या होगा प्लस होगा ना, क्योंकि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी होता है, तो माइनस माइनस है तो माइनस एक तो माइनस पहले से माइनस फोर ए सी माइनस पर एक ये भी टर्म किसका था माइनस का था, इसलिए ये क्या होगा बस प्लस का होगा, थोड़ा सा अपने मिस्टेक करके, तो कोशिश करें कि मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं करते आपके पास। देखो अब आपको डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालना होगा, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप वो क्या होगी डी टू माइनस डी वन, तो आपने डी टू की वैल्यू निकाल ली है, डी वन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, डी टू माइनस डी वन से आप क्या निकाल सकते हो इस हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ, बच्चों अगर सिंपल से मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ, है ना, तो आप डेप्थ कैसे निकालोगे, आपने एक सिंपल सा एक पार्ट ले लिया उस हाइड्रोलिक जंप का, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग दोनों तरफ आप फोर्स देख लो प्रेशर फोर्स कितना है, जो प्रेशर फोर्स है वो इक्वेट कर दो चेंज इन मोमेंटम के, है ना, क्योंकि उस प्रेशर फोर्स में जो नेट प्रेशर फोर्स होगा वो ही चेंज इन मोमेंटम के क्या होगा इक्वल होगा, और जैसे ही आप इक्वेट करोगे सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करोगे आपके पास ये डेप्थ आ जाएगी हाइड्रोलिक जंप की। थैंक यू, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में।